नमस्कार दोस्तों, धनु राशि वाले अपने जीवन में सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ। यदि वे चाहते हैं कि वह सफलता आराम से प्राप्त करें और जल्दी ही उन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह जब भी सफलता प्राप्त करते हैं तो लेट से ही उन्हें सफलता मिलती है। काम तो वह समय से करते हैं और पूर्णता भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता टाइम पर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं और हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ प्रॉब्लम होती रहती है। यदि धनुराशि वाले चाहते हैं कि उनके जीवन में ये समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएं और उनका सौभाग्य उनके साथ रहे, तो जरूरी है कि आप गणेश भगवान और लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ ही पूजा करें। यदि आप लक्ष्मी या गणपति भगवान के प्रतिमा की पूजा करते हैं तो वह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। और साथ के साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम गं सौभाग्य गणपताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता मिले और आपके कार्य सही से सफल हो जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा जरूर करें। अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाएं ताकि आपके समय से पूजा भी हो और आपके कार्य भी सफल हो जाए। आप अक्सर आलस्य से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य हमेशा लेट होते हैं। यदि आप अपने आलस्य और निद्रा को छोड़ देते हैं तो वह कार्य आपके जल्दी ही सफल हो जाएंगे। तो ये है धनु राशि वालों के लिए गणपति भगवान की पूजा किस तरह करनी है और किस मंत्र का उच्चारण करना है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।